Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज की वीडियो होने वाली है एक get ready with me as a wedding guest for my friend's engagement as well as cocktail. मुझे अभी ready होके निकलना है. Ready तो मैं हो गई हूँ. But आज की वीडियो is not going to be a chit-chat, life update या फिर Q&A session. मैं हमेशा makeup करते करते कुछ और कर रही होती हूँ. But this time I thought to make a full-on beauty video जिसमें मैं आपके साथ अपने tips और tricks share करने वाली हूँ कि कैसे मैंने beautiful makeup look achieve किया. This माय सिग्नेचर मेकअप लुक. मैं ज्यादातर इवेंट्स में या वेडिंग फंक्शंस में यही करती हूँ. मैं ये बाल ऐसे कैसे करती हूँ उसका ट्यूटोरियल भी इस वीडियो में दिखेगा. एंड ये आउटफिट कहाँ से है इसका खुलासा भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा. दिस इज अ ब्यूटीफुल पंजाबी ओल्ड लाहौरिया जो पाकिस्तानी सूट्स आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना वैसे टाइप की वाइब है ये. एंड आई एम जस्ट सुपर एक्साइटेड टू शो यू गाइज हाउ आई अचीव्ड दिस फुल लुक. ये वीडियो थोड़ी सी एजुकेशनल होने वाली है जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे एक एक चीज लाइक आई मेकअप कैसे करती हूँ, बेस में अपना कैसे अचीव करती हूँ. बट नॉनदलेस मैं ज्यादातर ये हिंदी में रखने वाली ट्यूटोरियल ताकि सभी लोगों को समझ आए एज वेल एज इसमें सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं. अगर मैंने कोई हाई एंड प्रोडक्ट भी आपको दिखाया तो उसका एक सस्ता ड्यूप या अल्टरनेटिव दिया है इस वीडियो में. एंड ऑल ऑफ दीज स्टेप्स आर सुपर इजी. सो अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है, आपकी लाइफ में कोई अच्छा सा इवेंट आ रहा है, बर्थडे पार्टी फंक्शन कोई भी शो, तो आई थिंक ये वाली लुक आपको बहुत ज्यादा काम आएगी. दिस इज अ ब्यूटीफुल देसी ब्राउन एंड ब्लैक स्मोकी आई विद अ न्यूड लिप. नथिंग टू फैंसी बट इसको बहुत ही इजी वे में बहुत ही जल्दी हम अचीव कर सकते हैं. सो आई होप यू guys are excited for this beautiful get ready with me. Without any further ado, let's get started. ओके जी, सो आई हैव नथिंग बट लिप बाम ऑन माई फेस. मैं अभी मुंह धो के आई हूँ एंड यू गाइज कैन सी मेरा फेस कितना शाइनी हो रहा है बिकॉज मेरा काफ़ी ऑयली स्किन है. एंड इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन मेरे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकआउट्स है. आई हैव PCOD एंड मेरे को हार्मोनल एक्ने निकलते ही रहते हैं हर महीने. सो यहाँ पे काफ़ी ड्राइनेस हो जाती है बिकॉज मैं अपने एक्ने को ट्रीट करती हूँ और पूरा टी जोन ऑयली रहता है. एंड दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ. सिर पे पहन लिया ताकि मेरे मुंह पे बिल्कुल बाल ना आए और हम मेकअप स्टार्ट कर सके. अपने स्किन को प्रेप करने के लिए सबसे पहले मैं ये अर्थ रिदम का सीका जेल यूज करने एक ना एलोवेरा जेल जैसा है बट इसका काफी कूलिंग इफेक्ट होता है तो आपके पोर्स को आई फील लाइक मेरे पोर्स को काफी अच्छे से हाइड्रेट और मिनिमाइज कर देता है. सो इसका इतना सा अमाउंट मैं लेती हूँ अपने हाथ पे एंड देन आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माय फेस टू हाइड्रेट माय स्किन. इसको अच्छे से मैं स्किन पे मसाज कर लूंगी. आपका स्किन प्रेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर स्पेशली आपको वेडिंग या वेडिंग गेस्ट के लिए मेकअप करना हो क्योंकि वो यूजुअल मेकअप से काफी हैवी होता है. सो दैट इज वाई आपको स्किन को अच्छे से अंदर से हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा. इनकेस आपकी ऑयली स्किन हो लाइक तब भी आपको हाइड्रेट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐसे ही सारे अपने प्रोडक्ट्स लगाओगे तो ज्यादातर आप मैटिफाइंग ही यूज करते होगे अपनी ऑयली स्किन पे तो इतना ज्यादा वो आपके टेक्सचर्स और पोर्स और लाइंस वगैरह एनहांस कर देंगे. नाउ विद एज मेरे स्किन पे भी और आंखों के नीचे लाइंस एंड रिंकल्स आने लगे हैं. सो मैंने अपना प्रोडक्ट एप्लीकेशन जितना अमाउंट ऑफ फाउंडेशन और कंसीलर मैं यूज करती हूँ वो काफी कम कर दिया बट स्किन प्रेप में मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने लगी हूँ सो दैट जब सारे कॉम्प्लेक्शन के प्रोडक्ट्स ले डाउन हो मेरे फेस के बेस पे तो वो बिल्कुल भी अजीब ना लगे. एंड इनकेस आपकी ड्राई स्किन हो तब तो भैया अच्छे से हाइड्रेट करना. सीका जेल के बाद मैं सनस्क्रीन लगाने वाली हूँ. दिस इज फ्रॉम द डर्मा को. ये उनका SPF 50 वाला 1% हाइलुरोनिक लॉन्ग लास्टिंग सनस्क्रीन है. काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है एंड इसको भी मैं अपने स्किन पे लगाने वाली हूँ. मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा सनस्क्रीन भी ना लगा लो. कभी कभी आप जब सनस्क्रीन को अपनी स्किन पे अब्सॉर्ब नहीं कराते हो तो जब आप फाउंडेशन लगाओगे ना तो वो क्रैक करने लगेगी और वो अजीब अजीब से बूरे बूरे आपके फेस पे निकलने लगते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे से सब कुछ अपनी स्किन पे अब्सॉर्ब करा लो. वंस एवरीथिंग इज अब्सॉर्ब्ड और आपकी स्किन ऐसे शाइनी और प्यारी सी ग्लास स्किन सॉर्ट ऑफ लगने लगे तो आपको लिप बाम तो जरूर यूज करना है. मैंने पहले से भी लगाया था बट मैं थोड़ा सा और लगाने वाली हूँ. दिस इज फ्रॉम विश केयर. उनका टिंटेड लिप बाम है विद सेरामाइड एंड SPF 50. सो मैं ज्यादातर हर चीज में अपने SPF यूज करती ही हूँ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ फ्रॉम सन डैमेज. आई एम जस्ट गोना ब्रिंग यू गाइस थोड़ा सा क्लोजर लाइक दिस. देन आई एम गोना गो इन विद दिस डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यू स्ट्रोब क्रीम. ये मैक की स्ट्रोब क्रीम की बहुत अच्छी ड्यूप है एंड मैं इतना सा अमाउंट लेती हूँ. इफ योर स्किन इज टू ऑयली तो पूरे फेस पे मत लगाना, पोर्स वगैरह पे मत लगाना. मैं भी ज्यादातर हाई पॉइंट्स वगैरह पे ही फोकस करती हूँ जहां मुझे जब मैं ऐसे ऐसे मुड़ू शादी में जब मेरे ऊपर लाइट आए तो जहां मेरे को अपने फेस पे ग्लो चाहिए ना मैं थोड़ा बहुत ही लगाती हूँ और बाकी जगह मैं सिर्फ हल्का सा डैप कर लेती हूँ ताकि मेरी स्किन अलग से शाइनी ना लगे. आफ्टर दिस मैं लगाने वाली हूँ प्लम का गेट सेट गो फेस प्राइमर. ये ब्लरिंग इफेक्ट देता है, पोर को मिनिमाइज करता है, नॉट परमानेंटली बट इतना सही लगाने वाली हूँ. बहुत ज्यादा प्राइमर भी ना आपके फेस से फिर वही बुरे बुरे निकाल देता है. सो यू रियली हैव टू कीप इन माइंड कि आप प्रोडक्ट एप्लीकेशन उतना ही करो अपने फेस
फेस पे जितना रिक्वायर्ड हो. आई एम फीलिंग फैंसी टूडे लाइक दोज गर्ल्स जो अपना ब्रश ऐसे वाला लेके ना तीखा वाला अपने फेस पे ऐसे लगाती है. सो आई रियली वॉन्ट सी कि वॉट दिस फाउंडेशन इज ऑल अबाउट. लेट सी कि ये कुछ कवर करती है कि नहीं करती. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड शेड मैच, इवन बेटर देन रेयर ब्यूटी का जो मुझे कंसीलर पसंद है. अच्छा लग रहा है, काफी स्किन लाइक फिनिश है इस फाउंडेशन की, विच इज ग्रेट. ट्रस्ट मी दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड. आई नो बहुत सारे यूट्यूबर्स स्पॉन्सर्ड वीडियोज कर रहे हैं, बट आई थिंक आई नीड मोर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज सो पतला. सो आई नीड टू स्प्रेड इट अक्रॉस वेरी वेरी जल्दी. आई एम नॉट किडिंग, ये फाउंडेशन काफी अच्छा इफेक्ट दे रही है. एंड देन आई एम गोना गो इन विद माय वेरीफाइड का ब्रश एंड देन इसको मैं स्किन पे सिर्फ पैट करूंगी. तो अगर आपको अपनी स्किन में बहुत अच्छे से फाउंडेशन घुसानी हो तो सिंपली इसको ऐसे अपनी स्किन पे टैप करो, ऐसे ऐसे करना है. ज्यादा स्वाइप नहीं करना है बिकॉज लिक्विड प्रोडक्ट है तो ऊपर लाइने छोड़ जाएगा. एंड दैट इज वाई यू जस्ट नीड टू डू This this might be my new favorite foundation. मैं एक pump और लेना चाहूंगी, एक भी नहीं आधा लिया मैंने, just to see कि इससे मैं अच्छे से अपने pimple buildable तरीके से conceal कर पाती हूँ या नहीं कर पाती. Damn, I think this is doing a fab job at covering everything up. यहाँ पे भी लगा लेते हैं. Cystic acne is a bitch, you guys. थोड़ी सी foundation या नीचे गले में भी लेके आ गई हूँ because I don't want कि मेरा neck और मेरा face अलग अलग color या shade का हो. But I think this is a pretty good match. Can you look at that glow? मजा आ गया क्योंकि मेरा सूट आज ऐसे ही थोड़े रेडिश रस्टिक कलर का है, थोड़ा ऑरेंज साइड में एंड प्यारा सा स्पार्कली स्पार्कली वाइब है उसकी. आई एम थिंकिंग कि मैं बहुत ही मिनिमल ब्राउन स्मोकी आई करूंगी जो मैं बहुत ज्यादा अपने इवेंट्स एंड अवार्ड फंक्शंस इन सब में करती हूँ, वेडिंग्स पे करती हूँ. एंड इट इज जस्ट सुपर इजी, बिगिनर फ्रेंडली विद अफोर्डेबल प्रोडक्ट. सो आई थिंक यू गाइज आर गोना लव इट. बट उससे पहले लेट्स जस्ट फिनिश द बेस बिकॉज मैं बेस की दीवानी हूँ. पहले बेस करने के बाद ही हम आई मेकअप पे जाएंगे. सो फॉर ब्लश टुडे आई एम गोना बी यूजिंग पैक एक्स सारा सरोज का ब्लश विच इज माई फेवरेट. दिस इज द शेड टर्किश डिलाइट. सो इसको मैं दो डॉट इधर लगा लूंगी, दो डॉट इधर लगा लूंगी एंड एक डॉट इधर, एक डॉट इधर लगा लूंगी. थोड़ा सा फोरहेड पे भी कर सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टोर करने का नहीं सोच रहे हो तो. आप कभी कभी अपने ब्लश से भी कॉन्टोर कर सकते हो अगर वो वार्म टोन का हो. एंड देन आई एम गोना यूज ऐसे टाइप का स्टिपलिंग सॉर्ट ऑफ ब्रश. आई फील लाइक इससे ना एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है लिक्विड ब्रशेस की. अगर आपका थोड़ा पाउडर फॉर्म है वो आप डोम शेप ब्रश से भी चला सकते हो. तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं अपना हाथ अपने कान जहां पे खत्म होता ना वहां पे एक उंगली रखूंगी एंड अपनी आंख पे रखूंगी. यहां पे मुझे अपनी ब्लश एप्लीकेशन करनी है एंड मैं थोड़ा इसको ब्लेंड करना स्टार्ट करूंगी. जब आई गेट दिस लाइन तो उसी को मैं थोड़ा सा अपनी स्किन में ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगी एंड दैट विल गिव मी अ वेरी अपलिफ्टेड लुक क्योंकि मेरा फेस थोड़ा चबी साइड में है एंड आई वॉन्ट कि थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्टेड थोड़ी स्नैच्ड लुक लगे, तभी मैं इसको अपवर्ड्स लेके जाती हूँ. बट अगर आपका फेस शेप मेरी फेस से काफी डिफरेंट है, लाइक चबीनेस के साथ भी मेरा फेस काफी अंडा या ओवल शेप में है, सो दैट इज वाई आई नीड एवरीथिंग टू बी like this. But apart from oval face, this technique also works on a round face क्योंकि उसमें भी आपको uplifted face shape मिलेगी. अगर आपका थोड़ा squarish face shape है, बहुत ज़्यादा angular है, तो I think ये uplifted look से better. अगर आप एक full on blush ऐसे width वाला try करोगे ना, तो वो आपको और ज़्यादा youthful दिखाएगी. So yeah, these are a few tips on the blush technique. I think ज़्यादातर लोग ये वाली blush technique ही अच्छे से follow करते हैं because everyone wants that siren snatched look and so do I. Yeah, I think this is enough. I am not of the belief कि आपको blush से अपना पूरा मूल लद लेना चाहिए. आई डोंट लाइक दैट फील. तो मुझे बहुत ही एक हल्का फुल्का बहुत ही प्यारा इफेक्ट अच्छा लगता है विच इज वेल ब्लेंडेड एंड नॉट ओवर पावरिंग. और जैसे क्लाउन मेकअप होता है ना वैसा करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. एंड देन फॉर कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग आई एम गोना टेक वेरीफाइड का शेड जिंजर टी. यू गाइस कैन सी हाउ मच आई हैव यूज्ड दिस विद दिस थोड़ा सा फ्लूफी सॉर्ट ऑफ ब्रश टू जस्ट find a little bit of definition, at least try to find a little bit of definition on my face. इसको मैं जहाँ पे हमने ऐसे टिक बनाया था ना उसी के यहाँ पे लगाना होता है. सो अगर आपको ऐसे फेस को फिगर आउट करके समझ नहीं आ रहा, सेम ऐसे करो, यहाँ पे आप एक लाइन बना लो एंड देन उसको ऐसे ऐसे करके टैप करके ब्लेंड करना है. बहुत ज्यादा फेस पे ना ब्रश हिलाना या बहुत ज्यादा ऐसे स्वाइप नहीं करना है, उससे आपका मेकअप या फाउंडेशन जो अंदर है वो हिल सकती है. एट द एंड ऑफ द डे लिक्विड प्रोडक्ट्स ही हैं, सो वी डोंट वांट टू डिस्प्लेस एनीथिंग बट वी वांट टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वार्म्थ एंड डेफिनेशन टू आवर फेस. एंड लुक एट दैट, दिस लुक्स सो अमेजिंग. यही सेम मुझे अपने जॉ पे करना है जस्ट लाइक दिस. बट इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्ट करना चाह रही हूँ, तो हल्का सा आप यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं. एंड देन
like this. I feel like this is way more structured than this floof ball right here. And ये contour की line आपको सिर्फ इधर ऐसे करके नहीं छोड़ देनी है, इसको आप नीचे यहाँ पे अपनी गर्दन पे swipe करोगे जब तक ये बहुत ज़्यादा blended ना लगने लगे. You don't want कि आपका side से लोग face देख रहे हैं and ऐसी सी line आ रही है, बहुत गंदी लगती है. So it's really important कि आप हर चीज़ अच्छे से अपना time लेके blend करो. ये उबले हुए अंडे को थोड़ा सा हम chisel करना चाहते हैं, so थोड़ा सा मैं अपने hair line के अंदर भी ये जिंजर टी घुसाना चाहूंगी ताकि थोड़ा सा मेरा फेस छोटा लगने लगे. या आई थिंक दिस इज सुपर डुपर गुड. सारा की कलेक्शन का ये ब्रश है ना जो कंसीलर के लिए यूज होता है, इसको मैं अपने नोज कॉन्टोर के लिए यूज करती हूँ. पकौड़ा नोज वालों के लिए ये ब्रश काफी अच्छा है. दीज आर मल्टीपर्पज ब्रशेज बट मैं सबसे ज्यादा इसको यहाँ पे अपनी आईज के साइड में जो है ना ये ब्रिज ऑफ द नोज वहां पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, जिससे बहुत पतला एक इफेक्ट देता है. एंड देन आई ब्रिंक इट इधर को थोड़ा सा लाइक दिस, एंड देन ये जो मेरा वी है ना नोज का उसको मैं ऐसे एंगल में शेप कर लेती हूँ. इंस्टेंटली गिव्स this effect of a snatched nose. And अगर आपको लग रहा है कि आपका contour बहुत ज़्यादा हो गया है या फिर ज़्यादा dark लग रहा है, so take that sponge and हल्का सा इसके ऊपर ऐसे मार लो, सारा product फालतू का absorb हो जाएगा. That is what I do. I use these sponges जब मेरा पूरा blush and contour वगैरह सब हो जाता है and I feel like थोड़ा सा all blended seamless effect की ज़रूरत है. So I just take it ऐसे ही as it is, थोड़ा सा damp करके and put it all over my face. इससे मेरा फेस काफ़ी ज़्यादा हद तक स्मूथ लगने लगता है एंड दैट इज़ वॉट आई रियली एन्जॉय. अब ये फेस ना कुछ ज़्यादा शाइनी लगने लगा है एंड आई डोंट वॉन्ट कि मेरी अंडर आइज इतनी ज़्यादा एम्फेसाइज हो. वैसे भी हमने क्योंकि लिक्विड प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, यू नीड टू सेट योर फेस विद ईदर अ लूज पाउडर और कॉम्पैक्ट अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा टेक्स्चर है जस्ट लाइक मी यहाँ पे. सो आपके लिए एक फाइनली मिल्ड लूज पाउडर बहुत अच्छे से वर्क करेगा. एंड जो अफोर्डेबल ऑप्शन है वो है के ब्यूटी का बनाना पाउडर. उनके पास बहुत अच्छे अच्छे शेड ऑप्शन है. इफ यू नीड अ लिटिल डार्कर शेड वो भी अवेलेबल है. मेरी स्किन टोन पे बनाना पाउडर अच्छे से वर्क करता है बिकॉज इट्स नॉट टू येलो. कुछ कुछ ब्रांड्स के बहुत ज्यादा येलो होते हैं बट यू कैन सी इट इज सो फाइनली मिल्ड एंड ये बहुत अच्छा आई थिंक बेज सॉर्ट ऑफ शेड में है जो मुझ पे अच्छा लगता है. सो अगर आपको ज्यादा कवरेज चाहिए यू कैन यूज दिस सॉर्ट ऑफ पिज्जा पफ. अगर आपको कम कवरेज चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो. अगर आपको नॉर्मल सी कवरेज चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो. मैं मीडियम कवरेज पे जाती हूँ हमेशा. सो मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ले लूंगी, थोड़ा सा डस्ट ऑफ करूंगी एंड जो बच जाएगा उसको मैं अपनी आँख के नीचे ऐसे ऐसे लगा लूंगी. एंड थोड़ा सा एक्सेस हो तो कोई बात नहीं क्योंकि थोड़ी देर बाद हम इसको झाड़ लेंगे. बट कैन यू गाइस सी कि इसने इंस्टेंट ब्राइटनेस भी दी है एंड इंस्टेंटली मेरा फेस यहाँ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अच्छे से मैटिफाई कर दिया है. सो दैट इज वाई आई यूज दिस ब्रश फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्योंकि हर जगह पहुंच जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसको मैं थोड़ा सा अपनी लिड में लगा रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जहाँ से मुझे शाइन कम करनी है वहां लगा रही हूँ. एंड क्योंकि मुझे इस एरिया के अराउंड ज्यादा कवरेज चाहिए टू कवर दीज पिंपल्स, तो अब मैं ये पिज्जा पफ लूंगी, इसको अच्छे से यहाँ पे दबा के यहाँ पे प्रेस कर दूंगी जस्ट लाइक दिस. इसको आप थोड़ा सा इस एंगल में भी प्रेस कर सकते हो ताकि आपका जो कॉन्टोर है वो थोड़ा काव आउट हो जाए. बाकी जो इसमें एक्सेस रह गया है उसको आप अपने फेस पे ऐसे ही लगा सकते हो अगर आपको कहीं पे भी मैटिफिकेशन की जरूरत हो. डोंट वरी, वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ दीज फिनिशिंग सेटिंग स्प्रेज. अगर आप किसी भी पॉइंट पे सोचते हो कि ज्यादा मैट फेस हो गया है मेरा, तो आप स्प्रे करके फिर से अपने फेस को ड्यूई बना सकते हो. तो जब तक मैंने ये सब चीजें अपने फेस पे लगाई हैं आई थिंक कुछ 10-15-20 सेकंड हो गए होंगे. अब मैं इसको हटा लूंगी. इसको 30 सेकंड से ज्यादा मैं रखती ही नहीं हूँ क्योंकि पाउडर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ओवर लगा लोगे ना तो आपका टेक्स्चर एनहांस ही करेगा. सो जस्ट डस्ट एवरीथिंग ऑफ कम्प्लीटली लाइक दैट. अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज कहीं पे चाहिए तो उसको आई थिंक 1-2 मिनट तक आप सेटल होने दे सकते हो बट नॉट टू मच. सो इसको मैं अब अपने फेस से अच्छे से हटा रही हूँ एंड आई फील लाइक दिस जस्ट ब्राइटन माई फेस इन अ वेरी न्यू वे. आई फील लाइक मेरे फेस पे लाइफ आ गई है, मेरी आंखों के नीचे लाइफ आ गई है एंड इट लुक्स अमेजिंग. नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग यू गाइज मोर क्लोजर बिकॉज हम आईज पे फोकस करने वाले हैं. एंड क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली नॉर्मल अफोर्डेबल लुक है, सो मैं ये एल्फ का पैलेट यूज करने वाली हूँ जिसमें 4 अमेजिंग ब्राउन शेड्स हैं. आई थिंक ये मेरे आउटफिट के साथ और ज्यादातर जितनी भी इंडियन वार्म स्किन टोन एंड जिस तरह के हम कपड़े पहनते हैं ना उसके साथ ये पैलेट बहुत अच्छे से जाता है. 2 मैट शेड्स हैं, 2 ग्लिटर शेड्स हैं एंड इट इज द परफेक्ट फॉर्मुला फॉर अ वेरी ब्यूटिफुल देसी स्मोकी आई. बट उससे पहले वी नीड अ काजल टू जस्ट स्मज एवरीथिंग यहाँ ऊपर मेरी लिड पे. आई एम यूजिंग मामा अर्थ का काजल बिकॉज अगर इसको आप 5 सेकेंड के अंदर वो कर लो ना अपने पेंसिल ब्रश से तो बहुत अच्छी तरह स्मज हो जाता है. सो यू रियली डोंट नीड टू बी प्रिसाइज, आपको बस जितनी आपकी आंखें हैं उतना ऊपर लिड में इसकी मोटी सी एक लाइन बनानी है एंड थोड़ा सा इसको यहाँ से एक्सटेंड भी कर लेना बिकॉज हमको एक एक्सटेंडेड स्मोकी आई चाहिए. सो यू गाइज कैन सी अभी मेरी पांडा आइज लग रही है. सो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस. इसके ऊपर अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगाया बट आपको ऐसा सा पेंसिल ब्रश चाहिए ताकि ये अच्छे से स्मच कर सके ऊपर.
फटाफट से इसको स्मज करना स्टार्ट करना है. आप अपनी ये चिची उंगली भी यूज कर सकते हो इवन इफ यू डोंट हैव प्रोडक्ट्स. दैट इज व्हाट आई डिड इन द बिगनिंग ऑफ माय करियर जब मेरे पास ये टूल्स नहीं होते थे. सो आई थिंक ये सारी चीजें ना आपके हैंड की वॉर्म्थ से भी अच्छे से पिघल जाती है एंड अच्छे से स्मज हो जाती है. लाइक आपको ऐसे ऐसे ही तो करना है. सो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में जाके हाथ धो लो. बट आई फील लाइक इफ यू हैव द टूल्स देन आप इससे आसानी से कर सकते हो अपने हाथ को गंदा होने से बचाने के लिए. सो इतना ही आपको स्मज करना है इसको. आप देख सकते हो ऊपर थोड़ा ब्लरिंग इफेक्ट सा आ गया है एंड दैट इज ऑल यू नीड टू डू. मेक श्योर कि जब आप बाहर वाली चीज स्मज करो इसको थोड़ा सा ऊपर के एंगल में करो. अगर आपको ड्रूपी आईज नहीं चाहिए तो मुझे हमेशा एक स्नैच्ड लुक ही पसंद है तो मैं इसको जान के ना थोड़ा ऊपर लेके जाती हूँ ताकि मेरा आई शेप थोड़ा सा ऐसे ऊपर की साइड बने लाइक दैट. यू नीड दिस डार्क ब्राउन शेड फर्स्ट. इसको आपको थोड़ा सा अपने ब्रश पे लगा लेना है एंड टैप ऑफ द एक्सेस बिकॉज हम पहले ही बेस अपना कर चुके हैं बेवकूफों की तरह तो वी डोंट वॉन्ट एनी मोर फॉल आउट. जहां पे ये ब्लरी सी लाइन दिख रही है ना उसी के ऊपर आपको इसको प्लेस करना शुरू करना है. जस्ट टैप इट ऐसे. अभी आपको स्वाइप नहीं करना है, जस्ट कीप टैपिंग इट जब तक आपको एक डिजायर्ड इफेक्ट ना मिल जाए. जैसे जैसे आपको लगने लगेगा कि मेरी आई और स्मोकी होती जा रही है द मोर द बेटर एंड इसको बिल्ड करते रहना है, थोड़ा थोड़ा ऊपर इसको लेके जाना है. देन यू हैव टू टेक दिस शेड राइट हेयर, सेम ब्रश पे ले लेना ताकि दोनों शेड अच्छे से मिक्स हो जाए. टैप ऑफ द एक्सेस एंड जहां पे आपने इसकी लाइन छोड़ी थी यहाँ पे इसके ऊपर आपको ये अब स्वाइप करना स्टार्ट करना है. So it will just bring a lot of warmth in your eye and I feel like this look is kind of complete because हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. It's just an ombre effect, black से dark brown से light brown, that is it. Then आप एक साफ ब्रश ले लेना just like this जिसमें कोई भी product ना हो and इसको अच्छे से ऊपर अपनी eyebrow के सर्कुलर मोशन पे घुसा दो इस वाले कलर को ताकि ऐसा ना लगे कि आपने अच्छे से चीजें ब्लेंड नहीं की है. यू कैन सी मेरे यहाँ पे थोड़ा सा फॉल आउट आ गया है. इसको मैं अपने पिज्जा पफ से पिकअप कर लूंगी एंड कोई भी स्मज नहीं होगा. यहाँ पे भी आ गया है. ये पिज्जा पफ बहुत काम की चीज है, बिल्कुल भी फेस को खराब नहीं होने देती है एंड यू कैन जस्ट मेक योर आई लुक वेरी वेरी स्मैशिंग. बस वही है, अब साफ वाले ब्रश से आपको हर चीज अच्छे से ब्लेंड कर लेनी है. बीच में भी आप ला सकते हो. And I think that is done. Now since this is a wedding guest makeup, I feel like ये day to day life में या कहीं extra जाने में भी काम आ जाएगा. But क्योंकि आपको wedding में जाना है, you need a little bit of glam and glitter. So मैं ये वाला shade लेने वाली हूँ जो dark brown वाला shade है on this brush. आप इसको अपनी ring finger पे भी ले सकते हो क्योंकि वो ना आपकी आँख में अच्छे से यहाँ पे place हो जाती है और आप अच्छे से ये लगा सकते हो. But क्योंकि मेरे पास अभी ये flat वाला brush है so मैं ये लेने वाली हूँ. And it really helps अगर आप इस brush को हल्का सा wet कर लो ताकि product वो अच्छे से pick up कर पाए. So again I'm taking it here and इसको मैं हल्का हल्का डैब कर रही हूँ अपनी लिड पे. एंड यू कैन सी कि जब आप स्मोकी ऑम्ब्रे के ऊपर ऐसा डार्क ब्राउन गोल्डन सॉर्ट ऑफ कलर लगाते हो तो आंखों का नशीलापन एकदम से बढ़ जाता है. आई ट्रूली फील लाइक काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने थोड़े से कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए हुए हैं. अगर आप ब्राउन और ग्रीनिश साइड में जाओ ना तो आई मेकअप और काजल कॉन्ट्रास्ट में और पॉप करता है. दिस इज नॉट अ नेसेसिटी इन योर लाइफ बट इनकेस यू हैव कॉन्टैक्ट लेंसेज, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज तो जरूर लगा लेना, मस्त लगने लगता है आई मेकअप. जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी पूरी लिड यहाँ शुरू का जो वी होता है ना वो कवर कर लो एंड पीछे जाते जाते इसको हल्का सा ही लगाना. बहुत ज़्यादा साइड में ग्लिटर लगाने की कोई जरूरत नहीं है. एंड अगर आपको लगे कि यहाँ पे एक स्टार्क सी लाइन हो रही है वो क्लीन ब्रश लेना एंड इसको ऐसे मोशन में करना, हर चीज अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी. नाउ इस आई लुक को कंप्लीट करने के लिए अगेन आप काजल लोगे एंड अपनी आंखों को टाइट लाइन करोगे. सो आपको नीचे भी काजल लगाना है एंड अगर आपको ऊपर अपनी आंख में ऐसे काजल लगाना बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है या फिर आप अपनी आंख ब्लिंक करते रहते हो, यू हैव अ सेंसिटिव आई, तो जस्ट क्लोज योर आई. इसको यहाँ पे डाल लो जैसे आप लाइन करते हो एंड क्लोज करके सीधा आपको जैसे लाइन करते हो ना आंख, बिल्कुल वैसे ही काजल लगाना है एंड यू विल सी के ऊपर अपने आप लग गया है काजल, विच इज ग्रेट. एंड आई ऑलवेज बिलीव इन नीचे से या ऊपर से जब भी मैं विंग बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, यहाँ काजल थोड़ा सा इलोंगेट करती हूँ बिकॉज आई जस्ट लाइक टू इलोंगेट माई आईज लाइक दिस. मुझे वो इफेक्ट बहुत ज्यादा प्यारा लगता है. देन अगेन जब काजल यहाँ पे लगा लो तो आपको ब्राउन वाला ये शेड लेना है. मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिटर भी मिक्स कर लेती हूँ, थोड़ा सा मैट, ऐसे करके इसको टैप करेंगे एंड विल जस्ट ट्राई टू स्मोक इट अप थोड़ा सा. बाहर से स्टार्ट करेंगे, वी नीड मोर वॉल्यूम बाहर में ताकि ये आई लुक पीछे से कनेक्ट हो जाए. एंड देन आगे आते आते इसको बस हल्का सा ऐसे करना है, या तो आप ब्रश हिला लो या आप मुंडी हिला लो, मैं दोनों हिला रही हूँ. थोड़ा आपको जूम आउट कर दिया है, कैन यू गाइस सी अ डिफरेंस. अभी मैंने हाईलाइट वगैरह और मस्कारा भी ऐड नहीं किया है, मेरी ब्राउ इज ऑल्सो नॉट डन, बट कैन यू सी द स्मोकी डिफरेंस इट मेक्स मेरी इस आई के और इस आई के मुकाबले. दिस इज सो फ्रिकिंग वंडरफुल. सो लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस आई एंड आई विल बी बैक एंड दिस इज द फाइनल लुक.
इसके अंदर हमें बस अब मस्कारा ऐड करना है. फॉर दैट आप ऐसा एक और क्लीन पेंसिल ब्रश लेना, वो ब्लैक वाला बिल्कुल मत ले लेना. कोई भी आपका मेकअप पैलेट हो या फिर आपके पास कोई हाइलाइटर हो, उसमें आपको ऐसे गोल्डन वाला शेड लेना है. मैं ये दोनों मिक्स कर रही हूँ बिकॉज दिस इज टू गोल्डन, दिस इज टू पिंक. बट मैं हाईलाइटर यहाँ लाना भूल गई हूँ बिकॉज आई हैव नो प्लान्स ऑन अप्लाइंग अ हाईलाइटर. एंड देन आपको इसको अपनी आँख के यहाँ पे प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस. सो जस्ट मिक्स इट इन साइड योर आई, इनर कॉर्नर से लेके ब्राउ के नीचे करनी है टू एड अ लिटिल बिट ऑफ शाइन. आई होप यू गाइज कैन सी जस्ट लाइक दैट. टाइम फॉर मस्कारा. दिस इज द ब्राउ मस्कारा, इट्स फ्रॉम NYX. आई थिंक दिस इज द NYX थिकेट स्टिकेट मस्कारा. दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. ये एस्प्रेसो ब्राउन में है बिकॉज माई हेयर आर काइंड ऑफ ब्राउन नीचे से, सो आई डोंट वॉन्ट की एकदम ब्लैक ब्राउज बन जाए. इसलिए ये वाली ब्राउ मस्कारा को मैं क्या करती हूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है इसके नीचे पूरा ऐसे बना देती हूँ. तो ये एक आउटलाइन हो गई, देन इसके ऊपर इसको लेके एक और आउटलाइन बना देती हूँ. देन आपको इसको ऊपर की तरफ ब्रश करना है. एक ब्राउ हमेशा थोड़ी सी टेढ़ी चली जाती है बट इट्स ओके. ये वाली जो मस्कारा ना, ये 2-in-1 मस्कारा है. स्टेप 1 आपका लेंथ वाला होता है तो आपको ये सिल्वर कैप निकालनी होती है. स्टेप 2 आपको ये ब्लू वाला वॉन्ड निकालना है एंड इसका वॉन्ड कुछ ऐसा दिखता है. दोनों काफी सिमिलर है. अप्लाइंग द लेंथ वाला पार्ट फर्स्ट एंड मैं इसको अपनी रूट से लेके ऊपर को थोड़ा विगल करती हूँ. ये वर्सेज ये, यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, बंजर जमीन है. ऑलराइट यू गाइस, सो द मस्कारा इज डन. आई फील लाइक द आई मेकअप एंड ये जो स्नैच सा ब्लश एप्लीकेशन एंड कॉन्टोर किया है, इससे मेरा फेस काफी ज्यादा यू नो 3D स्ट्रक्चर्ड सॉर्ट ऑफ लग रहा है. इट डजेंट लुक फ्लैट. इन केस अगर आपको लगे कि कहीं से आपका फेस ना हल्का सा अजीब सा डार्कनेस लग रही है या फिर डल लग रहा है, सो वन वेरी ब्यूटिफुल ट्रिक इज दैट आप इसके ऊपर हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा सकते हो. सो आई यूजली लव ये जो शार्लेट टिलबरी का कॉम्पैक्ट है बिकॉज इससे स्किन बहुत स्मूथ हो जाती है. बट इसका एक अल्टरनेटिव सस्ता वर्जन इज द लॉरियल का 24-hour इनफॉलिबल फ्रेश वेयर फाउंडेशन इन अ पाउडर. सो आप ये लगा सकते हो एंड वॉट यू हैव टू डू इज आपको पिज्जा पफ या फिर अपना ये ब्यूटी स्पंज लेना है बिकॉज आई फील लाइक बहुत ज्यादा कवरेज भी नहीं करनी चाहिए. सो आपको इसको हल्का सा डैब करना है एंड यू हैव टू पिक अप दिस मच प्रोडक्ट ओनली. एंड क्योंकि आपने डायरेक्टली प्रोडक्ट उठाया है ना, जस्ट डायरेक्टली फेस पे मत लगाना, हल्का सा यहाँ पे टैप कर लो अपने हाथ पे ताकि एक्स्ट्रा ना लगे. एंड बहुत ही हल्के हाथ से आपको अपने अंडर आई के नीचे इसको ये वी शेप में प्लेस करना है जस्ट लाइक दैट. दैट्स इट. एंड इसको थोड़ी सी देर रहने देना. आफ्टर 2-3 मिनट्स आपको अपना पाउडर ब्रश लेना है एंड जस्ट इसको हल्के से हटाना नहीं है, इसको स्प्रेड अक्रॉस कर लेना है अपने यहाँ पे इस वी शेप में जस्ट लाइक दैट, ताकि एक स्नैच इफेक्ट अगेन आ जाए. एंड ये जो एक्सेस है थोड़ा सा यहाँ पे लगा लो ताकि हर चीज़ अच्छे से सेट रहे. एंड यू कैन सी कि अलग से एक ब्राइटनेस आ गई है फेस पे. यू गाइस कैन सी यहाँ पे अच्छा सा एक ग्लो आ रहा है. एंड इन केस आपको और ग्लो चाहिए, सो व्हाट यू कैन डू इज आप ये हाइड्रेटिंग मिस्ट यूज कर सकते हो पैक की. आई ऑल्सो लव ये पैक का जो माइक्रो फिक्सर होता है ना, दिस इज जस्ट माई फेवरेट. बट ये इतना ड्यूइनेस एड नहीं करता है. सो सबसे पहले मैं हल्का सा इसको अपने फेस के साइड में ही स्प्रे करूंगी एंड देन इसके बाद इसके ऊपर मैं मेकअप फिक्सर पूरा स्प्रे कर लूंगी. एंड इससे ज्यादा मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. जस्ट अगर बूंदे आपको अपने फेस पे बहुत ज्यादा दिखे, हर चीज अच्छे से यहाँ पे ऐसे ब्लेंड कर लो. दिस इज द सूट दैट आई एम प्लानिंग टू वेयर टुडे फॉर द कॉकटेल एंड एंगेजमेंट पार्टी. दिस इज काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय दोज पाकिस्तानी सूट्स दैट आर ऑल ओवर इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स. एंड मैंने ये आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच किया है. जल्दी इसका मैं शॉर्ट डाल दूंगी या मे बी डाल दिया हो, आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ. यू गाइस सी इसके साथ ही आई मेकअप कितना ज्यादा अच्छे से जा रहा है एंड दैट इज व्हाई आई फील लाइक ये सारी चीजों के साथ अच्छे से जाता है ये वाला आई मेकअप. यू कैन जस्ट पेयर इट विद एनीथिंग ब्लैक व्हाइट येलो ग्रीन, सबके साथ ये आई मेकअप जाता है. अब मैं इसको निकाल देती हूँ, ये मेरा सिर से नीचे निकल ही गया है. तो सो आई एम गोना टेक दिस लिप लाइनर बाय टिप्सी ब्यूटी. इट इज इन द शेड न्यूड टेला 04. इसके अंदर वैसे लिपस्टिक भी होती है इनकेस आपको लिपस्टिक लगानी हो. दिस इज अ वेरी प्रिटी शेड, लेट मी शो यू गाइस. बहुत ज्यादा प्यारा शेड है एंड इस लुक के साथ अच्छे से जाएगा. इसके साथ आपको यहाँ पे ये लिप लाइनर भी मिलता है जस्ट लाइक दिस एंड इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल शेड. तो नीचे का तो मैं बिल्कुल भी ओवरलाइन नहीं करती. ऊपर के लिए ना मैं क्या करती हूँ, जो मेरा क्यूपिड्स बो है यहाँ हल्का सा ओवरलाइन करती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं. एंड इसको नीचे से सिमिलर अपनी लिप लाइन में ही कनेक्ट कर लेती हूँ. सो ये है इसके ऊपर हल्का सा जस्ट दिस, बिल्कुल भी ओवर नहीं, बिल्कुल हल्का सा ऊपर. एंड देन नॉर्मल लिप लाइन ही फॉलो करनी है जस्ट लाइक दैट. ना मुझे इसके ऊपर लिपस्टिक लगाना ना बहुत ही ऑड लगता है, तो मैं थोड़ा सा इसको और फिल कर लेती हूँ.
ऐसे। ये जो टिप्सी ब्यूटी का शेड है ना न्यूटेला, इसको आप एज इट इज लगा सकते, बहुत ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। यही वाला शेड आपको थोड़ा सा और प्लम्पी वे में दिखेगा, बट माई फेवरेट शेड ऑफ ऑल टाइम जो आप मेरे को बहुत बार पूछते हो इज फ्रॉम लूनर ब्यूटी। ये बाहर का एक इन्फ्लुएंसर है मैनी MUA, ही इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड उसका ये ब्रांड है लूनर ब्यूटी। एंड दिस शेड कॉल्ड जेया इज सो फ्रिकिंग नाइस, लाइक आई लव दिस शेड एंड इट इज एक्चुअली वेरी सिमिलर टू दिस वन। इसमें ऑरेंज टोन्स थोड़े ज्यादा है जो मेरे सूट के साथ बहुत अच्छे से मैच करेंगे। बट इसके दो ड्यूप्स मैंने ढूंढ निकाले इंडिया में। द फर्स्ट वन इज पैक रेट्रो मैट इन द शेड 40, इस शेड का नाम है अडोर। सो अगर आप इसको स्वाइप करोगे यहाँ पे, लुक एट दैट, काफी ज्यादा सिमिलर शेड है ये। अदर देन दैट और एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है विच इज एस्प्रेसो मार्टिनी फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड लव अर्थ। ये भी काफी ज्यादा सिमिलर न्यूड शेड है, इट्स लाइक अ न्यूड गैजम ऑल अराउंड हेयर। आई फील लाइक ये काफी सिमिलर टोन्स है, बट द मोस्ट परफेक्ट मैच इज पैक का शेड। सो दैट इज व्हाट वी आर गोना अप्लाई ऑन आवर लिप्स टुडे एंड ये लूनर ब्यूटी मैं ऊपर लगाती हूँ। ऑलराइट यू गाइस, दिस इज द फाइनल लुक। आई फील लाइक सच अ ब्यूटिफुल क्वीन इन दिस। आई फील लाइक मेकअप एम्पावर्स मी सच अ वे कि मेरे अंदर डबल या ट्रिपल कॉन्फिडेंस आ जाता है। जस्ट लुक एट दिस फेस, लाइक आई एम फुल ऑफ लाइक बर्स्टिंग विद सेल्फ लव टुडे बिकॉज आई थिंक आई डिड अ फैब जॉब। सो दिस इज अ बी ब्लंट प्रो स्ट्रेटनर दैट आई एम यूजिंग। इसमें ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। आई जनरली गो फॉर 170 का टेम्परेचर बिकॉज दैट इज गुड। 180 से ऊपर आप जाते हो ना तो आपके बाल थोड़े जलने शुरू हो जाते हैं एंड जो डैमेज का रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड आई डोंट वॉन्ट टू डैमेज माई हेयर। फाइनली मेरे हेयर बहुत बेटर फील कर रहे हैं पहले से। तो जब ये ब्लिंक करना बंद कर देगा दैट मीन्स ये पूरा फुली हॉट हो गया है। तब तक मैं अपने बालों को सेक्शंस में डिवाइड कर लूं। मैं जनरली बीच में से मांग निकाल के अपने बाल रोल करना स्टार्ट करती हूं ताकि जब मेरा सब कुछ हो जाए एंड मैं ऐसे करूं तो एक अलग सा उठा हुआ वॉल्यूम यहां पे आता है। हमारी लाइट ब्लिंक करनी बंद कर गई है, सो मैं इसको यहां से लेती हूं, एक बार स्ट्रेट करती हूं ताकि ये बाल स्मूथ हो जाए एंड जब मैं ये दूसरी बार लेती हूं तो इसको मैं इनवर्ड हाफ बाल में आते आते ऐसे कर्ल कर लेती हूं। Just like that. Just hold it for 3-4 seconds and release. तो आप देख सकते हो आपका बाल बड़ा ही सुंदर ऐसे रोल में बन गया है। अगर आपके बाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा देर तक कर्ल्स होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आप एक बॉबी पिन लेके इसको ऐसे रोल करके रख सकते हो ताकि ये पोजीशन होल्ड करे, या फिर आप हेयर स्प्रे यूज़ कर सकते हो। फॉर मी, अगर मैं स्ट्रेटनर से बाल कर्ल करती हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक टिकते हैं, रोलर वाले कर्लर से नहीं टिकते हैं। सो आई एम जस्ट गोना लेट इट बी। बट आपको यही प्रोसेस पूरे बालों में रिपीट करना है एंड द एंड रिजल्ट विल बी सच ब्यूटिफुल हॉलीवुड ग्लैम कर्ल्स। Alright guys, we are at the last LUT and it is done. Kafi curly. So this is how it's supposed to look like. मैं ज़्यादा कर्ल्स सेट नहीं होने देती, सीधा ऐसे फ्लिप कर लेती हूँ। सो यू गाइस सी, मैंने जब बीच में से चीर निकाला था और यहाँ के सेक्शंस लिए लास्ट में, उसके बाद जब मैं यहाँ पे हेयर फ्लिप करती हूँ इट गिव्स मी दिस इमेंस अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड दिस इज व्हाट द फिनिश्ड लुक इज लाइक। लेट्स ट्राई दिस आउटफिट ऑन एंड शो यू गाइस द फाइनल लुक। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज द फाइनल लुक। यू गाइस कैन सी आई लव दिस मेकअप लुक। आई लव द बेस, इसका ल्यूमी मैट जो बेस है दैट इज परफेक्ट फॉर अ कॉम्बिनेशन टू एक्सट्रीम ऑयली स्किन लाइक मी। एंड अभी क्योंकि गर्मियां हो रही है आई फील लाइक ऐसे टाइप का मेकअप बहुत ज्यादा लास्ट करेगा। आई हैवंट पुट अ लॉट ऑफ थॉट इन द बेस बट आई थिंक इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई लव द ल्यूमिनोसिटी, आई लव हाउ इट हैज अ पीचिश साइड टू इट जो ब्लश में आ रही है। इस मेकअप लुक का जो स्टैंड आउट पार्ट है आई फील लाइक दे आर द आईज बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ आई मेकअप लुक्स जो मैं हर इवेंट पे करती हूँ। एंड नाउ यू गाइज हैव ऑल माई सीक्रेट्स, ऑल माई टिप्स एंड ट्रिक्स। पेयर इट अप विद अ स्ट्रॉन्ग ब्राउ एंड अ न्यूड लिप एंड देयर यू हैव इट। टाइम टू शो यू गाइज द आउटफिट। सो दिस इज व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक। लाइक आई सेड, ये पाकिस्तानी और जो ओल्ड पंजाब वाली वाइब है शादी की उससे इंस्पायर्ड है। आई लिटरली लव दिस फैब्रिक सो मच, जो कि एक बहुत सुंदर शाइनी सिल्क है बट इट हैज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस फ्लो ऑफ ऑर्गेन्जा जो थोड़ा अकड़ा अकड़ा वाइब देता है ना। जो ओल्ड पंजाब सूट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा बॉडी फिटेड नहीं होते हैं, दे हैव दिस सॉर्ट ऑफ लूज वाइब टू इट। सो इसलिए मैंने इस सूट को प्रॉपर फिटिंग का नहीं रखा है। इट डजंट हग माई बॉडी लाइक अ ग्लव बट इट फॉल्स रियली रियली ब्यूटिफुली ऑन माई बॉडी। आई फील लाइक जो मिड साइज टू कर्वी बॉडीज होती है उस पर ऐसे टाइप का जो शरारा सूट है पाकिस्तानी टाइप का वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इट हैज सच अ ब्यूटीफुल ओल्ड स्कूल चार्म टू इट। आई ऑल्सो लव दैट ये जो बेल स्लीव्स है वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। इसके अंदर जो गोटा और तीला वर्क का काम है वो बहुत प्रिटी लग रहा है। आई फील लाइक ये रस्ट और गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड ये लाइट पे बहुत सुंदर रिफ्लेक्ट करता है। इसका गला मैंने पीछे से जो बैक है वो डीप रखा है बिकॉज आई वॉन्टेड टू एड सम सॉर्ट ऑफ सेक्सीनेस टू इट, बट आगे से बहुत ही ज्यादा मॉडर्स्ट रखा है। द शरारा और घरारा एज यू से नीचे वो बहुत ही ज्यादा प्लेन है
है, बेसिक है विद अ बॉर्डर टू इट, बट इसका ये जो दुपट्टा है ये बहुत ज्यादा प्यारा है। एक और डिटेल आप देखोगे इस आउटफिट में, इस दुपट्टे के आसपास ना ऐसे टाइप का बॉर्डर झाला झाला ब्रश टाइप का लगा हुआ है, वो भी एक टिपिकल ओल्ड पंजाब सूट वाइब देता है, विच आई हैव सीन फ्लाइंग अराउंड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन शॉर्ट्स। इस आउटफिट को मैंने पेयर किया है गोल्डन सैंडल से एंड विद अ वेरी ब्यूटिफुल एंड मॉडेस्ट क्लच। द ज्वेलरी इज ऑल्सो अमेजिंग, आई एम वेयरिंग दीज गोल्डन बैंगल्स विद दीज वेरी ब्यूटिफुल गोल्डन इयररिंग्स। क्योंकि दुपट्टा ज्यादा भारी है तो मैंने गले में कुछ नहीं पहना है एंड इट जस्ट कॉम्प्लीमेंट्स द होल लुक। ऐसा लग रहा है पूरा ये जो लुक है वो हार्मनी में आ गया है। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ द लुक। ऑलराइट यू गाइस, आई रियली होप आप लोगों को आज की ये वीडियो और आज का गेट रेडी विद मी पसंद आया हो। आई एम इन लव विद दिस लुक। आई फील लाइक मैं रोज ऐसे डेवलप होना चाहती हूँ और रोज कहीं ना कहीं जाना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ ब्यूटिफुल दिस मेकअप लुक इज एंड ये इस सूट को कितना ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। आई एम इन लव विद दिस होल लुक। लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो आपको ये लुक कैसी लगी, आपको मेकअप कैसा लगा, हेयर कैसा लगा, आउटफिट कैसा लगा, और कोई भूल चुक हो गई हो तो माफ कर देना। जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं उन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेक श्योर यू चेक देम आउट, ऑल ऑफ देम आर सुपर अफोर्डेबल एंड आई होप जो मैंने ये अटेम्प्ट किया है आप लोगों को अपना मेकअप हेयर एंड सब कुछ सिखाने का वो आपके लिए ईजी रहा हो। अगर कोई भी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे मुझे क्वेश्चन लिख देना, आई विल मेक श्योर कि मैं आपको रिप्लाई करूं तुरंत। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब, आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे। अभी बहुत सारे वेडिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, मेरे दो चार करीबी दोस्तों की शादी होने वाली है एंड आई एम सुपर पम्प टू एंजॉय एंड व्लॉग माई हार्ट आउट। ऑल्सो डू शेयर दिस वीडियो फॉर एनीवन हु लव्स मेकअप और इज लुकिंग फॉर सम मेकअप टिप्स। लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ दैट क्विर्की मिस एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।